गायत्री अन्नपूर्णा रसोई में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं मेथी की भुजी। ये देखिए मैंने ये आधी किलो मेथी ले ली है, बिल्कुल हरी हरी मेथी है। आइए इसको साफ कर लेते हैं। ये देखिए मैंने मेथी को धो के साफ कर लिया है। और ये मैंने 600-700 ग्राम आलू ले लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं अपने घर में 5 जनों के हिसाब से ले रही हूँ। और ये मैंने 2 हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च को इसमें बारीक बारीक काट लेते हैं मेथी में। आइए अब गैस ऑन कर लेते हैं। और एक ये मैंने कढ़ाई रखी है गरम करने के लिए। मेथी की भुजी आप जब कभी भी बनाएं तो इसे हमेशा कढ़ाई में ही बनाएं, क्योंकि मेथी की भुजी सिर्फ कढ़ाई में ही बढ़िया बनती है। अब इसमें हम डाल लेते हैं सरसों का तेल। और इसे जब भी बनाएं सरसों के तेल में ही बनाएं। मैंने इसमें 1 बड़ा चमचे के करीब में तेल डाल लिया है। अब हम ले लेते हैं जीरा और हींग। मेथी की भुजी जब भी बनाएं इसमें हींग जरूर डालें, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए जो उसमें धुआं उठना शुरू हो जाए। ये देखिए अब हमने ये तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, इसमें धुआं उठ गया है। अब इसमें हींग और जीरा डाल लेते हैं। अब इसमें हम आलू डाल लेते हैं। आलू डाल के ऐसा थोड़ी दूरी बना के रखें। अब इसमें मेथी डाल दें। थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा धनिया और नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब इसको हम चला लेते हैं। जैसे जैसे आप इसको चलाएंगे ये मेथी भुज के थोड़ी सी हो जाएगी। अच्छे से इसको मिक्स करके और इसको मंदी आंच पर ढक के छोड़ दीजिए जब तक ये आलू ना गले। आलू इसमें हमेशा थोड़े मोटे काट के डालिए, नहीं तो ये गुल जाते हैं। ये नया आलू लिया है मैंने। अब इसको हम ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। आइए अब इसे हम चला देते हैं। इसको बीच बीच में जरूर चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। आइए देखते हैं। ये देखिए आलू गल चुके हैं इसके। अब हमें इसे थोड़ा भूनना ही है बस। ये देखिए अब इसका पानी बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुका है। मेथी की भुजी आप जब कभी भी बनाएं तो इसका पानी बिल्कुल सुखा लें। मेथी की भुजी तभी अच्छी लगती है खाने में। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप इसी तरीके से बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए।